डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है उसका? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग यानी के स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्ग यानी कि स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर शब्द जो है ये कौन बताएगा? हम सभी ने पढ़ा है, एक तो आयत पढ़ा है, एक वर्ग पढ़ा है। वर्ग वो होता है जिसका जिसकी चारों भुजा समान होती है, उसको क्या कहते हो? वर्ग कहते हो। ठीक है, तो यहां भी वर्ग जो है भुजा इंटू भुजा से शुरू कर रहे हैं अपन। लेकिन कोई भी चीज को दो बार गुणा करो, एक इंटू एक, दो इंटू दो, हाँ, तीन इंटू तीन, दो बार गुणा करते जाओ तो क्या हो गया? स्क्वायर। इसको लिखेंगे वन स्क्वायर, लिखने का तरीका। इसको लिखेंगे टू स्क्वायर, इसको लिखेंगे थ्री स्क्वायर। ठीक है, लिखने की बात समझ में आ गई। अब मुझे कौन बताएगा 1 to 10 के सारे स्क्वायर? मुझे कौन बताएगा? चलो आ जाओ, चल जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर बराबर 1 into 1, 1। 2 का स्क्वायर बराबर 2 into 2, 4। 3 का स्क्वायर 3 into 3, 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर बोलो 6 into 6, 36। 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 50। 8 का स्क्वायर 8 into 8 बोलो 64। 9 into 9 बोलो 9 × 9 = 81। और 10 into 10 कितना होता है? 100। एक बार हमने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर जरा देखे कितने हुए। 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 99 = 81 और 10 का 100। ठीक है, एक चीज अपन ने अभी अभी कुछ सीखी। ठीक है, ये भी जरा लिखा हुआ है, इसको भी जरा देखा, और ये सारणी बनी हुई है, इसको भी अपन ने देखा। सब बच्चे जल्दी जल्दी भर दो सारणी को। और कभी कभी ये प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है? n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। अभी अपूर्ण वाली भी आएगी, अपन बताएंगे। जो कंप्लीट स्क्वायर है वो ये आई। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा आया, कोई पूछ ले आपसे कि दी गई संख्याओं में बीच के पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए, 30 और 40 के बीच में कोई ऐसी संख्या है क्या जो पूर्ण वर्ग है? है, छतरंग 36 है, है। 50 और 60 के बीच में कोई संख्या है क्या? 7 का तो है स्क्वायर गुण 50 और 8 का है 64, तो कोई भी संख्या नहीं है। क्या लिखोगे? 50 और 60 के बीच में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जरा और आगे चलते हैं, और अब पढ़ने वाले हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण धर्म। कोई भी चीज स्क्वायर हो तो थोड़ा आइडिया लगना चाहिए देख के कि इसमें क्या होता है, ये क्या चीज है। तो सारे बच्चे एक बार याद भी करेंगे मेरे साथ और समझेंगे भी। तो अभी आपके सामने एक सारणी है, वो सारणी वर्ग वाली है, जल्दी जल्दी बोलेंगे।
एक स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का नौ, चार का अभी अभी अपने पढ़ लिया, चलो यहां तक तो अपन ने पढ़ा। अब आ जाओ 11 का स्क्वायर, याद करो 11 इंटू 11 जबान याद होना चाहिए 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 14 इंटू 14 196 याद करो, 15 इंटू 15 काम आता है, कैलकुलेशंस में भी काम आएगा, 225, 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का और ये 20 का स्क्वायर। अधिकतम काम आने वाले 10 तक तो काम आते हैं, 11 और 12, 13 भी काम आता है, 15 भी काम आता है, ठीक है साहब। ये तो अपन ने याद कर लिया, अब इनको याद करने के बाद कुछ जरा देखते हैं क्या है ये। सभी के अंत में ये कह रहा है कि कहीं आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा, सभी वर्ग संख्याओं के वर्ग के स्क्वायर जो नंबर है उनके लास्ट में जो इकाई स्थान है उस इकाई स्थान पे 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। देखो जरा इसमें कहीं 2 दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या 2, 3, 7, 8 दिख रहा है क्या, 2, 3, 7, 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया 2, 3, 7, 8 को छोड़ के बाकी की संख्या में अगर इकाई संख्या हो तो वो देखते ही कह सकते हैं ये स्क्वायर बनेगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, देखते ही कह सकते हैं कि स्क्वायर संख्या है कि नहीं, तो पीछे क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। जरा देख लो क्या लिखा है, इधर भी बुक में देख लो फटाफट, ये 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे समाप्त होती है तो वो वर्ग संख्या है, और 2, 3, 7, 8 पे हो तो वर्ग संख्या नहीं है। जरा कौन कौन बताएगा कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। 2, 3 वापस याद कर लो, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 नहीं होनी चाहिए, यह है नहीं, वर्ग संख्या नहीं है, 2, 3 नहीं है, 7, 8 नहीं है, यह भी नहीं है, 9 है वर्ग संख्या, 1 है वर्ग संख्या हो सकती है। क्या याद हुआ, क्या याद हो गया, 2, 3, 7 और 8 अगर लास्ट में हो, इकाई नंबर पे हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, बाकी 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो चलेगा, 2, 3, 7, 8 ठीक है। और 50 तक या 25 तक कुछ संख्या और वर्ग वाला ये सारणी बनाइए, इसको भी कुछ पढ़ते हैं जरा देखते हैं। वो अपने 100 तक तो याद कर लिया था, 11 और 12 का भी याद कर लिया, 20 तक भी अपन, अब 21 से भी लिखा है, 21 का वर्ग 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 600, 576, 25 का ये भी काम आता है, 25 का वर्ग 625 काम आता है, 15 × 15 = 225, 25 × 25 = 625 या काम आता है, 30 का दिया, 35 का दिया, 40 का दिया, 45 का दिया, 50 का दिया। अब इसकी स्टडी करते हैं अपन, अभी अभी तो अपन ने पढ़ा था लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं रखे, आया तो नहीं गलती से, 2, 3, 7, 8 कहीं आया तो नहीं, कहीं नहीं आया, इसका मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि 2, 3, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब इसमें जरा हमने दिमाग लगाया कि जिसका कोई संख्या 1 और 9, 1 है 9 है, यहां पे 11 है, यहां पे 19 है, यहां पे 21 है, यहां पे ठीक है, 1 और 9 अगर उसका वर्ग कर रहे हैं या लास्ट में वो है
तो इधर हमेशा एक आएगा क्योंकि 99 81 होता है, 9 × 9 81 होता है, तो उसका भी एक आता है। तो जिसके भी अंत में एक आए समझ लो उसके जो संख्या है ना जिसका अपन स्क्वायर निकाल रहे उसके लास्ट में या तो 1 है या 9 है। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? समझ में आई? तो कौन बताएगा मेरे को कि इनमें से किसकी संख्या जो है ना वो एक पे समाप्त होगी? इसका वर्ग करेंगे 123 का, तो लास्ट में 3 × 3 = 9 तो 9 होता है, नहीं होगा। 77 × 7 = 50 9 आएगा। 82 इसका 2 × 2 = 4 आएगा। 161 के अंत में क्या आएगा? 1 आएगा। और 109 के अंत में क्या आएगा? 1 आएगा, सॉरी, हाँ 161 में भी 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा। तो ऐसी संख्या जिसके अंत में इकाई स्थान पे अगर 1 हो या 9 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 1 मिलेगा। चलो एक चीज अपन ने सीख ली, जरा पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या लिखता है ये। आप देखेंगे कि यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 और 9 आता है तो उसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। अब दूसरी बात पढ़ते हैं। अगर किसी के लास्ट में 6 आ रहा हो, स्क्वायर संख्या निकाली उसके लास्ट में 6 आ रहा हो, तो जिसका स्क्वायर निकाला है ना वो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा उसके लास्ट में, क्योंकि 4 × 16 और 6 × 36। 4 अगर अंत में है और 6 अंत में, तो उधर क्या लास्ट में आएगा? 6 आएगा। तो इन सब को अंत में देखो 6, तो 4 × 6 = 14 = 16। तो जिसके अंत में 4 और 6 है उसका स्क्वायर लास्ट में 6 आएगा। किस किस का आएगा कौन बताएगा? कौन बताएगा? 9 वाले पे आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 पे आएगा क्या? 6, हाँ आएगा। इसका आएगा क्या? हाँ आएगा। इसका आएगा? आएगा। इसका भी आएगा। फिर जरा लिख लो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, कुछ बात मजा आया? एक क्वेश्चन करो, अगर आपको एक संख्या दी हुई है तो वर्ग करने पे उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा बताओ? ये 4 है, लास्ट में 6 आएगा। ये 77 × 50 = 9 आएगा। 8 × 8 = 64 आएगा। 0 है तो 00 आएंगे, हाँ 10 है तो 20 हो जाएंगे, 10 × 100 हो जाएंगे। 2 है तो 4 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 6 × 36। क्लियर? बहुत इजी इजी बातें पढ़ रहे हैं। जब कभी, एक और पढ़ लो, जब कभी आप किसी जीरो वाली संख्या को अगर स्क्वायर करते हो ना तो लास्ट में 2 0 हो जाते हैं। तो देखते ही कह देना कि अगर लास्ट में 2 0 आ रहे हैं इसका मतलब ये शायद हो सकता है ये वर्ग संख्या हो। 3 0 तो कंफर्म है कि नहीं होगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है मेरे को। तो यदि एक संख्या के अंत में 3 0 हो तो वह वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या यदि केवल सम संख्या होती है, सम संख्या, शून्य की संख्या, वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या सम संख्या होती है। अब बताओ सम संख्याओं के वर्ग और विषम संख्याओं के वर्ग में आपका क्या विचार है? सम संख्या का वर्ग भी सम होगा, विषम संख्या का वर्ग भी विषम होगा। ओके ओके, तो आ जाइए, 727 इसका वर्ग विषम होगा कि सम होगा?
विषम होगा क्योंकि ये खुद ही विषम संख्या, इसका सम संख्या होगी, इसका विषम संख्या होगी और इसका सम संख्या होगी। जो खुद भी सम है उसका वर्ग भी सम होगा। और ये अगर शून्य की संख्या होगी तो डबल जीरो हो जाएगी। ये चार चौक 16, जीरो 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 जीरो, जितने जीरो उसका डबल कर दो, सो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, और आगे चले, मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या क्या पढ़ लिया चलो देखो, रिपीट करते हैं। सबसे पहले अपन ने वर्ग पढ़े, फिर अपन ने देखा कि लास्ट में अगर उसके 2, 3, 7, 8 आता है तो वो वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर अपन ने पढ़ा कि अगर 1 और 9 हो तो उसका वर्ग जो बनाएंगे उसमें हमेशा 1 आएगा। फिर अपन ने देखा कि 4 और 6 कोई संख्या उसका वर्ग करो तो लास्ट में हमेशा 6 आएगा। फिर अपन ने देखा कि जिसके अंत में 00 हो वो सम वर्ग संख्या हो सकती है, और नहीं हो तो 3 हो तो नहीं होगी कंफर्म। और फिर सम और विषम संख्या पड़ी, सम संख्या का वर्ग सम होगा, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। त्रिकोणीय संख्याओं के योग, कोई ऐसी संख्या अपन ने पढ़ी थी पहले पैटर्न 36वीं में, उसमें ये 1 है 3 का त्रिकोणीय त्रिभुज बन जाते हैं, ऐसे ये ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं, तो त्रिभुज बनते हैं उसको ऐसे आप लिख सकते हो कि पहला और दूसरा 1+3 बराबर वर्ग संख्या, ये दूसरा तीसरा प्लस छठा वर्ग संख्या है 9, ये लिखो 6+10 बराबर 16 वर्ग संख्या 6 और 10, ये 10 और 15 जोड़ो 10 और 15 बराबर 25। तो एक कोई बड़ी बात नहीं है, त्रिकोणीय संख्याओं के योग कोई वर्ग संख्या होता है। छोटा सा और आगे चलो, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, कैसा वैज्ञानिकों ने देखो, मैथमेटिशियन गणितज्ञों ने बहुत अलग 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 अंकों पे खेल किए। किसी ने दिमाग लगाया कि सर मुझे ऐसा बताओ ना कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर अगर कोई संख्या हो तो दोनों के बीच में कितने अंक आएंगे, तो ये तो सर 4 है और ये सर 9 है तो इसके बीच में है 5, 6, 7 और 8, 4 अंक है। ठीक है, इसमें तो 4 अंक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर में ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हटा दो तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। ऐसा कोई फार्मूला है क्या, फार्मूला है क्या कि जिससे हम डायरेक्ट निकाल लें कि 2 स्क्वायर संख्या के बीच में क्या नंबर है, तो दिमाग लगाया, दिमाग लगा के फॉर्मूला निकाला। मान लिया एक संख्या n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकाला, किसी को फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ, जरा खोल के देखें क्या, खोल के देखें क्या, यहां देखते हैं, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, n+1 यानी n कोई संख्या है उसकी अगली संख्या n+1 है, यहां n = कुछ भी हो सकता है, n = 2 हो जाए तो 2 का स्क्वायर नहीं, n+3 का ऐसे भी हो सकता है, n कोई संख्या है उसकी अगली संख्या n+1 है। ठीक है, ज्यादा चिंता की बात नहीं, अब फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, तो n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको, a² - b² का पता नहीं तो जरा देख लो, मैं खोल के बता रहा हूं, n+1 - n और n+1 + n, मैंने खोला है फॉर्मूला लगाया, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, a² - b² का फॉर्मूला। अब इसमें ये n से n कट गया, यहां तो 1 आ गया, इधर आ गया 2n+1, तो ये आंसर आया इसका, क्या आया, 2n+1। n+1² - n² = 2n। अब इसका मतलब ये हुआ कि व्यापक रूप से हम कह सकते हैं
कि दो वर्ग संख्याओं n और n प्लस वन के बीच 2n संख्याएं होती है जो वर्ग नहीं है। अच्छा, कोई मुझे करके बताएगा क्या? जरा मुझे बताओ कि 4² - 3² क्या होगा? बताओ बताओ। यहां पर n 3 है क्योंकि ये n प्लस वन है, ये n प्लस वन का स्क्वायर माइनस n का, तो संख्या होनी चाहिए 2n, यानी कि 6 होनी चाहिए, है कि नहीं है? बताओ सर। है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब तो मुझे समझ में आ गया। तो छोटी संख्या पकड़नी है, ठीक है, अभी करता हूं। बताओ 9 और 10 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या? यहां छोटा 9 है तो n इज इक्वल टू 9, कितनी होगी? 18 लिख दो, 18 नो 2n। लिखो 11 और 12 स्क्वायर के बीच में, 11 दूनी 22, यहां भी उत्तर 22, लिख लो उत्तर। ये 9 दूनी 18, ये 11 दूनी 22, 22 संख्या होगी। और बड़ी निकालिए, युग्मों के बीच में संख्या होती है वर्ग संख्या, लो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है? कोई निकालेगा फटाफट से, फटाक से। 200, 100 × 2, 200, 90, 91, 90 यहां एन हो गया, 9 × 2 = 18, 180। 1000 स्क्वायर और 1001 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है? बैठे बैठे निकाल सकते हैं, 2000, 2n। एक छोटी सी चीज और याद की अपन ने, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है क्या है? 2n, बस इतना सा याद रखना है। क्या है बच्चों? 2n। कहां से फॉर्मूला आया? सब मिटा रहा हूं मैं, सब मिटा रहा हूं, सब फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला आया और यहां से इसने कहा 2n संख्याएं होती है, बस इतना सा याद कर लो। तो n कौन सा? छोटा वाला, क्योंकि n और n प्लस वन, यहां पर छोटा क्या था? 9 था या 11 था या 100 था या 90 था या 1000 था। अब आगे और चलते हैं। कितना देखो गणितज्ञ लोगों ने कितना अच्छी अच्छी रिसर्च की है। विषम संख्याओं का जोड़ ये कह रहा है कि अगर एक हो तो ठीक है, लेकिन विषम संख्या 1 और 3 जोड़ूं तो 4 होता है, ये 2 का स्क्वायर आता है। 1, 3 और 5 को जोड़ दूं तो ये 9 हो रहा है, अरे वाह। 1, 3, 5 और 7 को जोड़ दूं तो ये 16 हो रहा है, ये भी स्क्वायर आ गया। 1, 3, 5, 7, 9 को जोड़ दूं, 5 विषम संख्या जोड़ दूं तो 5 का स्क्वायर आ रहा। अच्छा 6 जोड़ दूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6 विषम संख्या जोड़ दूं तो 6 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि विषम संख्याओं का योग क्या लिखा है? जरा पढ़ो क्या पढ़ा। हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर है। n विषम प्राकृत संख्या मतलब यानी कि अगर 4 है, आपको 4 का स्क्वायर निकालना है तो शुरू की 4 विषम संख्या लो, 1, 3, 5 और 7, शुरू की 4 विषम संख्या जोड़ दो तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उल्टा करें क्या? कोई ऐसे करके देखे जरा, 25 को ले मैं और 25 में से उल्टा चलते हैं। कोई कह रहा है 25 को मेरे को चेक करना है कि 25 वो है कि नहीं, वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले मैंने 25 माइनस 1 किया, 24 आया, फिर 24 में से 3 घटाया,
फिर अगला विषम संख्या पाँच, तो पाँच घटा दिया 21 में से, फिर सात घटाऊंगा 16 में से, ये घटा दिया, फिर 9 में से 9 घटा, 0 आ गया। 0 आ गया इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या, पहली बात। और कितनी बार घटाया, एक, इधर देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच पद आए, पांच स्टेप्स आई, तो पांच का स्क्वायर। और आगे सवाल है, किसी ने पूछा आपसे, बच्चों बताओ 38 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो क्या करें, दिमाग लगाया, 38 में से पहले एक घटाया, फिर 37 उसमें तीन घटाया, अगली विषम संख्या फिर पांच घटाई, 29 में सात घटाया, 22 आया, 22 में से 9 घटाया, कितना आ गया 13 आ गया, 13 में से 11 घटा दिया, अगली विषम संख्या 2 आ गया, अब 2 में से 13 घटाओ माइनस 11, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 38 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पढ़ लो, हम यह भी कह सकते हैं, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या एक से प्रारंभ होने पर क्रमागत विषम संख्या का योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो निकाल देना 121 को, ये आएगी 49 आएगी, क्रियाशील आएगी, तो अपन को पता ये दोनों नहीं आएगी। आप जब करोगे ना तो नहीं आएगी। अब अगला एक और गुणधर्म पढ़ते हैं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। ये कह रहा है कि मान लिया कोई वर्ग संख्या है 3 स्क्वायर, इसको मैं 4 प्लस 5 लिख सकता हूं क्रमागत, अगली कोई भी दो संख्या उनका योग होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला क्या दिया है, एन स्क्वायर माइनस बटा दो और एन स्क्वायर प्लस वन बटा दो। ठीक है, तो देखते हैं, मान लिया सात है, तो सात में एन क्या, सात है, तो एन सात का स्क्वायर यानी गुण 50 प्लस 1 बटा 2 और गुण 50 माइनस 1 बटा 2, तो 50 ये हो गया 25 और ये हो गया 24, 25 और 24। ठीक है, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 और एन स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप सोचेंगे सर क्या पढ़ा रहे, कुछ नहीं पढ़ा रहे, बहुत ईजी पढ़ा रहे, ईजी ईजी है, कुछ नहीं समझना है। यस, अगला करेंगे, ये मुझे बताओ कि इसमें ये किस किस संख्याओं का योग है, जरा देखते हैं। 21, 21 का कौन सी दो क्रमागत संख्याओं का योग है, मैं कहूंगा 21 का स्क्वायर माइनस बटा दो और 21 का स्क्वायर प्लस वन बटा, 21 का स्क्वायर क्या होता है निकालो, 21 का स्क्वायर मुझे याद नहीं, किसी को याद है क्या आप में से? हाँ, 21 का स्क्वायर है 441, क्या है 441, तो करो यहाँ पे, कहाँ है ये रहा, हाँ करो 441 माइनस 1 बटा 2, 441 प्लस 1 बटा 2, तो ये आ गया 440 यानी 220 और ये आ गया 222, 221। उत्तर क्या है देख लो, 220, 221, 13 का निकालोगे 13 स्क्वायर कर लेना, 13 का 169 है, 169 प्लस 1 बटा 2, 169 माइनस 1 बटा 2, ये हो गया 170 बटा 2, 170 बटा 2 कितना होता है, और 168 बटा 2 कितना होता है, तो ये तो हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 85, ये उत्तर। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 बटा 2, एन स्क्वायर माइनस 1 बटा 2, ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर।
दो क्रमागत सम और विषम संख्याओं प्राकृत क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कुछ करना है तो भी एक तरीका बताया हुआ है, ए प्लस वन और ए माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन होता है। 11 इंटू 13 12 स्क्वायर माइनस वन, 13 इंटू 15 14 स्क्वायर माइनस वन, 29 इंटू 31 30 स्क्वायर माइनस वन, 44 इंटू 46। दो क्रमागत संख्या हो उनका गुणा निकालना हो इसको खोलो, ए स्क्वायर माइनस वन आपको मुझे निकालना है, ए स्क्वायर माइनस वन यहां कोई संख्या है, ए प्लस वन मान लो, ए माइनस वन मान लो, 11 इंटू 13 बीच की संख्या 12, 12 का स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हो। क्रमागत सम या विषम संख्या, क्रमागत सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। 11 इंटू 13 हो तो बीच में 12 स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हो, क्योंकि यहां a मान लिया 12 है तो a माइनस वन इंटू ए प्लस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ये भी काफी ज्यादा काम नहीं आता लेकिन समझ लो, कोई प्रश्नावली में भी क्वेश्चन नहीं है याद कर लो केवल। अब आगे चल रहे हैं अपन बहुत जल्दी, प्रश्नावली 6.1 पर पहुंच रहे हैं। और करो, वर्ग संख्याओं के कुछ प्रतिरूप दिए हुए हैं, इसमें एक का स्क्वायर निकाला तो एक आया, 11 का स्क्वायर निकाला तो 121 आया, फिर 111 का स्क्वायर निकाला तो देखा किसने दिमाग लगा तो 1 2 3 2 1, अच्छा ये तो बहुत अच्छा फॉर्मेट है, फिर 1111 का निकाला तो स्क्वायर में आंसर आया, कैलकुलेटर में करके देखना 1 2 3 4 3 2 1, अच्छा देखो क्या मजेदार है, कितना मजेदार है, और इतनी सारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक हो, 8 इक्के हो 8, उसका स्क्वायर निकालो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उल्टा 7 6 5 4 3 2 1, आहा करके देखना। तो जब प्यारे प्यारे बच्चों जरा आपके माइंड पे थोड़ा जोर डालते हैं और सब बच्चे मुझे इन दोनों का स्क्वायर बना के बताएंगे, जितना एक है उतनी संख्या तक चलना, यहां में कितना 1 2 3 4 5 6, जल्दी बताओ 1 2 3 4 5 6, उल्टा 5 4 3 2 1, सही है क्या मेरा उत्तर, कैलकुलेटर से चेक करना, इसमें कितने 3 और 3 6 7 है, 7 है तो भी करो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, आया मजा, कुछ पैटर्न का मजा आया, पैटर्न का कैलकुलेटर में चेक किया, चेक करना ये भी एक पैटर्न है भैया, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 67 का स्क्वायर में 4 4 8 9 6 6 7 में 3 बार 4 आया, फिर 8 8 2 बार, फिर 6 6 से ऐसे, अब समझते जाओ इसको, समझते जाओ करो, जितनी बार 6 आया है ना उससे ज्यादा बार 5 4 आया है, 4 बार 6 आया है तो 5 बार 4 आया है, 4 बार 8 आया, 1 बार 9, ठीक है निकालो, ये कितना 3 6 3 6 7, 6 आ रहा है 3 बार, मैं मिटा रहा हूँ सब बातें, बाकी सब मिटा रहा हूँ, हाँ मैं करता हूँ यही कर किया हुआ होगा, चलो कितनी बार आ रहा है 6, 3 और 3 6 और 1 7, तो 6 बार 6 आ रहा है,
तो सात बार चार आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात बार, और छः बार आठ आएगा तीन, और एक बार नौ आएगा। इसमें छः कितनी है, तीन तीन छः और एक सात बार, तो आठ बार आएगा, तीन तीन छः दो आठ बार चार आया, फिर सात बार ये आएगा, तीन तीन छः सात और एक बार आएगा। करो क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। स्क्वायर में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे गुणधर्म में अपन परेशान हो गए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्रश्नावली अपन करने वाले हैं 6.1, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं आंसर को। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों को इकाई के रूप में क्या अंक हो गए? यस, इसका अंक में लास्ट में 81 का स्क्वायर एक आएगा, 272 का स्क्वायर चार आएगा लास्ट में, या 99 81 एक आएगा, 3 3 9 आएगा, 4 4 16 छः आएगा, 7 3 9 आएगा, 8 8 64 चार आएगा, 0 का 00 आएगा, 6 3 36 छः आएगा, 5 5 25 का पाँच आएगा। आया मजा कुछ फास्ट करने का? फास्ट करने का मजा आया कुछ? निम्नलिखित संख्याओं में स्पष्ट रूप से जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण बताओ। जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आता है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 0 आ रहे हैं, 4 0 चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। कारण लिखो जिसके अंत में 2 3 7 या 8 इकाई स्थान पे आते हैं, अथवा विषम संख्या में शून्य आते हैं, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्ग विषम संख्या होगा? जो खुद भी विषम है, इसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा। जो खुद भी विषम संख्या है उसी का वर्ग विषम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। 11 का स्क्वायर दिया 121, 101 में दिया है 10201, ठीक है, और 1001 में वापस 00 बीच में आया, 200, ठीक है, समझ में आ गया आपने को, समझ में आ गया ना? अब बताओ ये 01000 4 10 0 है, 4 0 तो क्या करना है? हाँ बच्चों, वापस वही टेक्निक, 1 0 0 0 0 चार बार, 2 0 0 0 0 1, ये आंसर। जितने जीरो हैं उतना जीरो लगा दो, बीच में 2 लगा दो, ठीक है। इसमें कितने जीरो, 3 और 3 6, तो आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1। देखो आया कि नहीं आया, आया के नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लीजिए। 11 का 121 है, ये 102 दिस है, ये 10, ये अलग प्रकार के, देखो ये अलग अलग सिखाते हैं। अब 10 10 0 10 0 1 तीन बार एक आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 3 बार 1 आ गया, तो 102 ये आ रहा है, ठीक है। इसमें 4 बार आ रहा है, तो मैंने किया, देखो कैसे किया, 102 03 04, फिर उल्टा 02 01, बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें कितनी बार है, 5 बार है, तो बीच में 5 टुकड़े आने चाहिए, 10 10 10 0,
1 1 2 3 4 बार था ना, 1 0 1 0 1 0, इसमें 3 था, 1 0 1 0, एक कितनी बार, एक कितनी बार, तो एक अपने को चाहिए 5 बार, 1 1 2 3 4, ठीक है। इसका उत्तर निकलेगा 1 0 1 0 1 0, कितनी, 5 बार, 0 1, 5 1 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, अभी मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा और उसके बाद संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, फिर पाइथागोरस ट्रिक सिखाऊंगा, फिर प्रश्नावली 6.2 करके फिर वर्गमूल पे जाएंगे। तो अब थोड़ा सा एक बार शांति से जो मैंने पढ़ाया, इस वीडियो को दोबारा देखना, किताब को दोबारा से पढ़ना, इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। पहली बार आपको थोड़ा सा हंसा ऐसा लगे तो डरना मत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और मैं आपको 6 क्वेश्चन से आगे का करवाऊंगा, उसके पहले का सारा आप कंप्लीट कर लें और आगे की प्रैक्टिस करके रेडी रहें। ओके।